नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है वहाँ पर लिंक इसका मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए, इसके साथ में जो है हमने आपका बायोलॉजी का या फिर जो केमिस्ट्री का या फिर जो है आपका फिजिक्स का, इन सभी का पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको जो है प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको इसमें साथ में मिल जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूरा कंप्लीट हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो आपको जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाय करने का। और इसके साथ में देखिए, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों का जो है पूरा कंप्लीट आपको इसमें लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये जो है देखिए केवल 199 रुपीज़ में ही कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, हमारा सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। तो ये जो है आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इसके देखिए, इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो कराया जा रहा है, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे देखिए आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर सेक्शन में। और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेना है जनरल साइंस वाला। और जैसे ही आप लोग बाई कर लोगे, तो आपको देखिए अपना कंटेंट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे कंटेंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग भी एक कंप्रिहेंसिव में एक ही जगह पर तैयारी करना चाहते हैं साइंस का, तो आप लोग जो इसमें इनरोल हो सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि डैश इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द प्लांट्स, यानी कि ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्लांट का होता है, तो उसका ये हिस्सा है। तो इसमें देखिए दिया आपका ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और स्टेमेन। तो देखिए दोस्तों, इसमें बात किया जा रहा है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट्स का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्लांट्स का रहता है, तो इसमें देखिए इसके जो पार्ट रहते हैं आपके, तो उसमें आपका है एंथर है, फिलामेंट आता है आपका, और इसके साथ में जो पोर्शन है आपका स्टेमेन, हम लोग इसे बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये हिस्सा होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ओवरी, स्टिग्मा और साथ में स्टाइल दिया हुआ है, तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है। लेकिन जो स्टेमन है आपका, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये हिस्सा होता है प्लांट का, जिसके अंदर में एंथर और ये फिलामेंट आपके होते हैं ये। तो यहाँ जो स्टेमन आपका, ये जो हो जाएगा आपका दैट इज पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये इसमें देखिए हम लोग इससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो फ्लावर है, तो फ्लावर आपका एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है प्लांट्स का, और इसी के थ्रू जो है आपका फ्रूट्स और साथ में जो सीड्स रहते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं यहीं से। तो इसमें जो फोर मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर का, एक आपका होता है कैलिक्स, जिसे हम लोग सेपल्स भी बोलते हैं हम लोग। दूसरा आपका होता है कोरोला, इसे पेटल्स भी बोलते हैं हम लोग, जो पंखुड़ियाँ होता है। और तीसरा आपका होता है एंड्रोसियम, जो कि यह है आपका स्टेमन भी इसे बोलते हैं हम लोग। और इसके बाद आपका जाइनोसियम, जिसे पिस्टिल बोला जाता है। तो ये चार साइकिल होते हैं फ्लावर के अंदर में। तो इसमें से देखिए आप यहाँ पे फ्लावर का देख सकते हो पूरा पिक्चर दिया हुआ है। तो इसमें जो फीमेल पार्ट जो होता है, था उसमें आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। तो इन तीनों को जो बोलते हैं हम लोग पिस्टिल। और वहीं पे जैसे हम बात करते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे आपका स्टेमन है, ये मेन जो है आपका, इसके अंदर में एंथर और जो फिलामेंट है, तो ये जो है द मेन पार्ट इसके होते हैं ये। और यहाँ पे जैसे आपका कैलिक्स है या फिर जो कोरोला है, तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग इसको समझ सकते हो डिटेल में। पूरा कंप्लीट आपको जो है लेक्चर में मिल जाएगा, जहाँ पर हमने इसको पढ़ाया हुआ है। और पीडीएफ में भी आपको पूरा कंप्लीट इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसके रिगार्डिंग आप लोग उससे भी पढ़ सकते हो। तो इसमें देखिए जो मेन होता है आपका, वो है स्टेमन, जो कि इसे एंड्रोसियम बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है मेन ऑर्गन होता है, इसमें जो है ग्रुप ऑफ स्टेमेंस रहता है, प्रेजेंट रहते हैं आपके। और स्टेमन जो है आपका मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का। इसका एंड्रोसियम के पार्ट में आपका जैसे फिलामेंट और एंथर आपका रहता है, फिलामेंट आपका जैसे इसके थ्रू जो है डंडी जो रहता है आपका, और एंथर आपका हो गया यहाँ पर कि ये पोर्शन जो है आपको ऊपर में आप जो देख रहे हो। अब इसमें देखिए जो जाइनोसियम आपका है, जो कि ये पिस्टिल रहता है आपका ये, तो ये जो है सेंट्रल पार्ट जो फ्लावर का रहता है वो वहाँ पे लोकेटेड रहता है आपका। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है, इसमें देखिए कार्पल प्रेजेंट रहते हैं। तो कार्पल क्या होता है, तो इसमें जो है आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों चीज जो है प्रेजेंट रहते हैं आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट टेक पार्ट इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इनमें से कौन सा जो है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हिस्सा नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया रूट है, स्टेम है, लीफ है या फिर फ्लावर है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका फ्लावर हो जाएगा। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो ये जो है आपका
ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका एक फॉर्म है। प्लांट के अंदर में जो डिजायर रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका वो एक हिस्सा है। तो इसमें देखिए जो प्लांट का कोई एक ही हिस्सा आपका मतलब इन्वॉल्व रहेगा आपका, तो उसी के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट आपका रहता है वही वन पेरेंट के चलते। अब इसमें देखिए जो न्यू प्लांट जो है आपका वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही रहता है आपका पेरेंट से, मतलब कि जो ओरिजिनल जो प्लांट रहता है उसी के जैसा रहता है आपका। अब देखिए इसमें जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ना, तो वो जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, तो उसके थ्रू भी आपका हो जाता है, जैसे कि लीव्स है आपका, उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका स्टेम है और रूट है, तो इनके थ्रू जो है आपका न्यू प्लांट जो है आपका वो ग्रो कर जाते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज वेजिटेटिव प्लांट के ही पार्ट्स होते हैं ये वो। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं आपका कि कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वह आपका फ्लावर, बाकी रूट स्टेम और लीफ ये तीनों जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये, लेकिन कौन नहीं करता है आपका, तो वह है फ्लावर। तो ऑप्शन फोर इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप देखिए स्टेम को काट के आप जो है ब्लेड से काट के आप सिर्फ इसी को ये प्लांट कर दो, तो फिर देखिए बाद में जो है लेटर ऑन स्टेज में आपका जो है ये फिर आपका प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे को ही बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि आपका एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका टाइप होता है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि व्हेन न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम दी प्लांट पार्ट्स अदर देन द फ्लावर इट इज कॉल्ड, यानी कि जिसमें न्यू प्लांट का जो ग्रोथ आपका होता है, अब उसमें जैसे फ्लावर के अलावे जिसके और भी ग्रोथ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर बाइनरी फ्यूजन। तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है यहाँ पर कि फ्लावर के अलावे जो है कहीं और जो दूसरे हिस्से से अगर प्लांट का जैसे होता है ग्रो होते हैं वो, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें देखिए जो फ्लावर है आपका ये क्या होता है, एक जैसे ये आपका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, तो फ्लावर में जैसे कि आपका उसमें प्रेजेंट रहता है फीमेल, मतलब कि जो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं पार्ट जो रहते हैं, तो उसके थ्रू होगा तो वो आपका वो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट हो गया। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और अगर हिस्से से अगर प्लांट आपका ग्रो कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग दैट इज कि वहाँ पे आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ है। इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसमें होता ही है कि जैसे आप कोई भी प्लांट का पार्ट को कट कर दो, उसको जो है आप लगा दो, तो उससे जो फिर आपका वो प्लांट निकल जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यहाँ पे देखिए और भी दिए हुए, जैसे आपको मल्टीपल फ्यूजन दिया हुआ है, तो मल्टीपल फ्यूजन में देखिए ये आपका एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, जिसमें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ना यहाँ पर, तो इनका जैसे न्यूक्लियस जो रहता है तो ये डिवाइड करते हैं पर नंबर ऑफ टाइम्स, और यही देखिए फॉलो अप का जैसे करता ही रहता है आगे का आपका, जैसे साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो रहता है उससे फिर डाउटर सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस है जो कि ये डिवीजन किया, तो इसका फर्दर और इसका डिवीजन होता गया आपका यहाँ पर, तो ये आपका एक मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है। और वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में देखिए, तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपका इसमें न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे देखिए जो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं ना, जो रिजल्ट होता है इसके चलते, तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट से या फिर जो पेरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू से। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें देखिए न्यू इंडिविजुअल का मतलब प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, इसमें जो है बिना गैमेट का फ्यूजन के बिना ही होते हैं, गैमेट का यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होती है क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और देखिए जो प्लांट है आपका, तो ये जैसे रिप्रोडक्शन जो होता है इनका, तो इसमें अंदर में जब भी होगा पड़े इनके अंदर में जब रिप्रोडक्शन जो होता है आपका, तो इसमें जो है न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होती है प्लांट्स का, जो कि ये दोनों तरीके से किया जाता है, सेक्सुअली मेथड से भी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों से किया जा सकता है आपका प्लांट का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है अब फ्लावर का कौन सा हिस्सा जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया पोलन, ओव्यूल, ओवरी या फिर कार्पेल, तो देखिए जो ओव्यूल जो रहता है तो यही जो है लेटर ऑन जाके अब जैसे ये सीड जो आपका मतलब फ्लावर जो रहता है तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे पार्ट आपका दिया फ्लावर का, मतलब जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं इसके अंदर में, तो इसमें जैसे कि आपका स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, जिसे हम लोग पिस्टिल बोलते थे, फीमेल पार्ट होता है, और एंथर और फिलामेंट जो है आपका जो कि आपका ये स्टेमन रहता है, तो ये जो है मेल पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट रहता है ओवरी, तो इसी के अंदर में आपका ओव्यूल्स मतलब कि जो बीज जो होते हैं यहाँ पर, तो अब जैसे यहाँ पे एंथर का जो ये आपका यहाँ पर एंथर से स्टिग्मा में जैसे यहाँ पे पोलन ट्रांसफर होगा, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जैसे कि ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल जो प्रेजेंट रहता है, तो ये फर्दर जनरेट मतलब आगे जाके ये जर्मिनेशन होता है इनका, और लेटर ऑन स्टेज में जाके यही जो है आपका वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये है आपका दैट इज कि फ्लावर बन जाते हैं आपके सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन में, तो वो कौन सा आपका पार्ट होता है, तो वो है आपका ओवल, यानी कि ये जो पार्ट देख रहे हो इसके अंदर में, तो ऑप्शन टू जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो पॉलन ग्रेन जो है ये किसका द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो देखिए पॉलन ग्रेन जो आपके रहते हैं तो ये जो है एंथर के द्वारा प्रोड्यूस आपका होता है ये, तो क्या होगा ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए एंथर से जब स्टिग्मा में आपका जब ये पॉलन ट्रांसफर रहता है तो इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि जो पॉलन जो होते हैं तो वो जो है एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन देखिए जो आपका रहता है तो ये रिप्रोडक्शन का ये पार्ट होता है फ्लावर का, और यहाँ पे जो पॉलिनेशन रहता है तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके लिए कोई एजेंट की जरूरत पड़ता है, जैसे कि कोई इंसेक्ट होगा अगर इस पर बैठते हैं पोलन पे, तो ये जो है यहाँ से अपना उठा के मतलब इसके ऊपर में जो पोलन जो रहते हैं तो उनको जो है ये स्टिग्मा में ट्रांसफर कर देते हैं, और उसी के बाद फिर ये फ्यूज होता है और बाकी जो ओवरी रहता है ओवरी के अंदर में जो ओव्यूल प्रेजेंट रहता है तो वो फिर लेटर ऑन जाके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोलिनेशन है बेसिकली, इसमें क्या होगा ये ट्रांसफर होता है आपका, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आपका, डेफिनेशन पूछा गया था यहाँ पर पोलिनेशन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, यानी कि विंड के थ्रू अगर पोलिनेशन होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए जो पोलिनेशन जो होता है तो ये भी इसके फर्दर डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके, मतलब कि पोलिनेशन जैसे कि हमने आपको बताया था कि पोलिनेशन क्या होता है कि ये जो है इसके अंदर में एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर आपका होता है पोलन ग्रेन्स का, और इसमें एक एजेंट की जरूरत पड़ती है जैसे कोई इंसेक्ट हो गया कोई बीज ही हो गया, तो देखिए एंथर से स्टिग्मा में पहुंचाने का ये काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पोलिनेशन होता है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये जो है आपका प्लांट के बीच में अपने आप ही नहीं होता है, इनके लिए जो कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो पोलिनेशन देखिए कुछ होते हैं सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा आपका होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर में कुछ ऑटोगैमी होते हैं और कुछ गैमेटोगैमी भी होते हैं, और वहीं पर जब क्रॉस पोलिनेशन आपका रहता है जब ये प्लांट के ऊपर में बेस्ड रहते हैं तो इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया हेलोगेमी या फिर हाइब्रिडिज्म हो गया, और वहीं क्रॉस पोलिनेशन के अंदर में जो दूसरा फैक्टर आपका है कि जो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करके होते हैं पोलिनेशन, तो उसमें आपका है यहाँ पर दैट इज एनिमोफिली हाइड्रोफिली और जिलोजोफिली आपका यहाँ पर है। तो जो सेल्फ पोलिनेशन आपका है तो ये देखिए सेल्फ पोलिनेशन कैसे होता है, तो ये जो है जो सेम फ्लावर जो होते हैं ना तो ये उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है आपका, तो इसके अंदर में दो आपका इंपॉर्टेंट रहता है ऑटोगोमी और दूसरा आपका है जिनोटोगोमी आपका हो जाएगा। तो ऑटोगोमी में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जो पॉलिनेशन आपका होगा तो वो सेम फ्लावर के थ्रू होंगे और एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर से हो जाएंगे वो, और जिनोटोगेमी आपका क्या होगा यहाँ पे पॉलिनेशन देखिए यहाँ पे सेम प्लांट तो होंगे लेकिन दो अलग अलग फ्लावर होंगे, जैसे एक फ्लावर और दूसरा एक फ्लावर आपका इनके बीच में होगा, इसको बोलते हैं हम लोग जिनोटोगेमी। और दूसरा टाइप देखिए यहाँ पर है आपको वह क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है दो डिफरेंट प्लांट के थ्रू होती है आपको क्रॉस पॉलिनेशन में, तो ये जो है दो डिफरेंट प्लांट रहेंगे, तो इसमें भी आपका दो तरीके के होते हैं, एक आपका जैसे प्लांट के बेसिस पे दूसरा आपका रहता है कि दो फैक्टर के बेसिस पे, तो इसमें देखिए जो प्लांट का अकॉर्डिंग में आपका रहता है जिसमें कि यहाँ पे इसके फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक आपका एलोगेमी जिसे हम लोग जेनोगेमी बोलते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए पॉलिनेशन आपका होगा तो दो पौधे के सेम स्पेसिस के बीच में होंगे, जैसे दो रोज प्लांट है अलग अलग पौधे हैं तो इनके बीच में जो होगा आपका तो वो होता है आपका एलोगेमी, और एक आपका होता है हाइब्रिडिज्म यानी कि इसके अंदर में इसमें दो अलग अलग स्पेसिस के प्लांट होंगे, जैसे कि आपका एक लेमन है तो दूसरा कोई रोज होगा, तो इनके बीच में जो पॉलिनेशन होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडिज्म। तो अब दूसरा आपका यहाँ पर है कि जैसे कुछ फैक्टर के बेसिस पे भी पॉलिनेशन होती है, जैसे विंड के थ्रू होगा तो इसे बोलते हैं हम लोग एनिमोफिली, अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिली, और अगर एनिमल्स के द्वारा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग जुओफिली, और अगर बर्ड्स के थ्रू होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोफिली, और अगर स्नेल्स यानी कि जो घेंगा जो होते हैं उनके थ्रू होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग मेलेकोफिली। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं इनके बीच इनके चलते हो जाता है पॉलिनेशन। अब देखिए जब पॉलिनेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे टेक्स प्लेस होगा और जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद देखिए जो ओवल जो प्रेजेंट रहता है आपका फ्लावर के अंदर में ओवल जो रहते हैं तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी होता है तो ये फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ओवरी जो वॉल रहता है ओवरी का जो वॉल रहता है तो ये जो है आपका पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये है आपका पूरा पॉलिनेशन का प्रोसेस के अंदर में। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आया होगा, डिटेल में आप लोग जो है क्लास में समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका वही कि पॉलिनेशन बाई विंड इज कॉल्ड, तो विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो देखिए विंड के थ्रू यहाँ पे बाल कहा गया हुआ है तो इस केस में आपका हो जाएगा ये एनिमोफिली, तो क्या होगा आपका यहाँ पर दैट ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका, हाइड्रोफिली में वाटर के थ्रू होता है आपका यहाँ पर,
और बाकी ये सारे जो कोई और टर्म है जो कि इनसे रिलेटेड आपका कोई नहीं है। तो एनिमोफिलिया फिर विंड पॉलिनेशन जो आपका रहता है, फार्मो पॉलिनेशन रहता है, जिसमें कि पोलन जो है वो विंड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये तो ये आपका होगा दैट इज पॉलिनेशन बाई विंड, उसको बोलते हैं हम लोग एनिमोफिली। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो आपका ये क्लास चलता ही रहेगा। और यहाँ देखिए जो और पोर्शन आपके रह गए हैं जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स का, तो वो भी हम आपका जल्दी करा देंगे। अभी बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा है, नेक्स्ट पोर्शन आपका जो है सिक्वेंस हम लोग इसी तरीके से करते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।